अगर कोई आपके दिल के बहुत करीब है और आप उसे स्पेशल फील कराना चाहते हैं, तो जार केक सबसे आइडियल और एक्सक्लूसिव गिफ्ट रेसिपी है। मैंने आपको ये वीडियो में ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप सिखाई है, जिससे आपकी जार केक भी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेगी। सो लेट्स बिगिन। ब्लैक फॉरेस्ट डेजर्ट बनाने के लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। मैंने रिच कंपनी का व्हिपिंग क्रीम लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का क्रीम रहता है। मार्केट में और भी बहुत तरीके के क्रीम मिलते हैं, पर मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ये ब्रांड का क्रीम अवेलेबल नहीं है, तो आपके एरिया में आपको जो भी ब्रांड का क्रीम मिल रहा है, आप वो व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक बोल में आधा कप व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। जो 100 ml का मेजरिंग कप होता है, उसी नाप से मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया है। मैंने ये क्रीम इसी कंसिस्टेंसी में ली है। आधी लिक्विडाइज्ड है और आधी जमी हुई है। इस प्रकार से क्रीम लेने से हमारी क्रीम बहुत ही अच्छी तरीके से व्हिप होगी। अब मैं क्रीम को बीट कर लेती हूँ। हमें क्रीम तब तक बीट करना है जब तक हम पीक होल्ड कंसिस्टेंसी तक नहीं पहुँचते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो टोच बन रही है क्रीम पे, यही है पीक होल्ड कंसिस्टेंसी। हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। अब हम डेजर्ट असेंबल कर देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक चॉकलेट स्पंज केक ले ली है। आप ये देख सकते हैं, मैंने केक को इस हाइट में बनाया है। इसी तरह से पतला बनाना है आपको केक को इस डिज़र्ट के लिए। इसकी रेसिपी मैंने अगले वीडियो में आपको सिखाई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ से लेके आप रेसिपी देख सकते हैं और बिल्कुल यही केक बना सकते हैं। मैं ये डिज़र्ट कप की मदद से केक को छोटे गोल आकार में कट कर देती हूँ। अगर आपके पास कटोरी या कोई और ग्लास है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने केक को इस साइज़ से इसलिए कट किया है क्योंकि मैं जो जार का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका साइज़ छोटा है। अगर आप बड़ा साइज़ का जार ले रहे हैं, तो आप इससे बड़ी साइज़ में केक को कट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे जार के साइज़ से भी छोटा जार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप केक को और छोटी साइज़ में कट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सारे पीसेस कट होके रेडी हो चुके हैं। आपको इसी तरीके से पीसेस रेडी करने हैं। मैंने पाइपिंग बैग के अंदर एक नोज़ल डाल दिया है। अभी इसको मैं ग्लास में प्लेस कर देती हूँ। अब हम पाइपिंग बैग को व्हिपिंग क्रीम से भर देंगे। मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में भर दिया है। अब मैं पाइपिंग बैग के आगे वाले हिस्से को कट कर देती हूँ और इस प्रकार से नोज़ल को आगे ले लेती हूँ। मैंने ये रास्बेरी का फिलिंग लिया है। मैं हमेशा यही ब्रांड का रास्बेरी फिलिंग यूज़ करती हूँ। मैंने इस फ्रूट फिलिंग को एक कोन के अंदर भर दिया है। हमें बिल्कुल उसी प्रकार से भरना है जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है। मैंने ये जार्स लिए हैं, इसके अंदर हम डिज़र्ट को असेंबल करेंगे। हमारे डिज़र्ट के फर्स्ट लेयर के लिए मैंने जो केक के पीसेस कट किए थे, हम उसको ले लेंगे और जार के अंदर प्लेस कर देंगे। अब हम अपने केक के फर्स्ट लेयर को मॉइस्चराइज कर देंगे। मैं जिस तरीके से वीडियो में केक को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, आप बिल्कुल उसी तरीके से करिएगा। मॉइस्चराइज करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं हमेशा पानी का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे स्वीटनेस बैलेंस्ड रहती है। अब सेकंड लेयर होगा हमारे व्हिपिंग क्रीम का। सेकंड लेयर हो चुका है। थर्ड लेयर के लिए मैं रास्बेरी फ्रूट फिलिंग का इस्तेमाल करूँगी। डिज़र्ट के फोर्थ लेयर में मैं केक डाल दूंगी।
हमें वापस हमारे केक को मॉइस्चराइज करना है। आप पानी या फिर शुगर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे स्वीटनेस मेंटेन रहे और डिज़र्ट बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट ना बन जाए। अब डिज़र्ट के फिफ्थ लेयर में हम वापस व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे। अब हमारे डिज़र्ट का आखिरी लेयर होगा चॉकलेट गनाश। मैं हर जार के अंदर चॉकलेट गनाश का लेयर डाल देती हूँ। चॉकलेट गनाश की रेसिपी मैंने आपको पहले सिखा दी है। इस रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ, आप उधर से इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। हमारा डिज़र्ट रेडी हो चुका है, अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। मेरे पास ये डार्क चॉकलेट के फ्लेक्स है, मैं डिज़र्ट को इन फ्लेक्स के साथ डेकोरेट कर दूंगी। इससे ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। मेरे पास ये रास्पबेरी फ्लेवर की डार्क चॉकलेट थी, मैं इसे भी डिज़र्ट पे लगा देती हूँ। एंड फाइनली शुगर डेकोरेशन से मैं इसे गार्निश कर दूंगी। हमारा टेस्टी यम्मी एंड डिलिशियस ब्लैक फॉरेस्ट डेजर्ट तैयार है। आप इसको बनाकर अपने परिवार वालों को खुश कीजिए और अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताइए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।